हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर एंड आल्सो वी गिव द डायरेक्शन बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल. ओके स्टूडेंट्स, तो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप. इट मीन्स यू हैव ए सर्कुलर लूप एंड यू पासिस द करंट. तो नेम ऑफ द टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप. इट मीन्स यू हैव ए सर्कुलर लूप एंड करंट इज पासिस, देन व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, वी विल ड्रा दैट पैटर्न स्टूडेंट्स. ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप. तो लेट अस कंसिडर ए सर्कुलर लूप. या यू कैन सी दैट इफ वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर, लेट से दिस इज यूर स्ट्रेट कंडक्टर, इफ वी बैंड इट इन द फॉर्म ऑफ वायर या सर्कल लाइक दिस वन, तो दिस इज यूर सर्कुलर लूप. तो वैन करंट इज पास थ्रू दिस सर्कुलर लूप, ओके, वन करंट इज पास थ्रू दिस सर्कुलर लूप आइदर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वी विल ड्रा ऑन द बोर्ड. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली देखा जाए तो इफ़ यू हैव ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो लेट्स से दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. ओके, लेट्स से दिस इज करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर. इट इज बैंड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर लूप या वायर. It is bent in the form of wire, and when current is passed through this, तो होगा क्या बेटा, magnetic field is produced around it like in concentric circles. तो ये क्या भाई, concentric circles है. Okay, this is the magnetic field representation. Similarly, concentric circles. Okay, these circles are shorter as we move toward the center of this loop. So this circle becomes bigger and bigger and bigger like this one, and at the center this becomes straight. It means at the center jo magnetic field lines hain, these are the straight. Okay, but yahan pe dekhe beta, the concentric circles representation hai. To question is that ki जो फील्ड लाइंस हैं वो सेंटर पे जाकर स्ट्रेट क्यों हो जाती है, या फील्ड की स्ट्रेंथ कहाँ पे ज़्यादा है, तो ये सभी क्वेश्चंस हैं. और या फिर मैग्नेटिक फील्ड जो ये इसके अराउंड प्रोड्यूस होगा तो वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो सभी बातें करेंगे. तो जैसे मान लीजिए बेटा, दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लाइक दिस वन मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव ए सर्कुलर लूप एंड एट द सेंटर यू वांट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई बाई टू आर. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग. तो रिंग के सेंटर पे ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, बट अगर यहाँ पे वन टर्न है तो यहाँ पे वन आएगा, बट अगर एन नंबर ऑफ टर्न है यहाँ पे सर्कुलर लूप की लाइक दिस वन, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एन से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, एन इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन टू आर. तो यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि वैन करंट इज इंक्रीज थ्रू द वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेज. तो मोर इज द करंट, मोर इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड इट. अब यहाँ पे आर की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो अगर डिस्टेंस की बात करते हो तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वह कम. तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा अगर आप डिस्टेंस कम करते रहते हो. ठीक है भाई,
तो इट सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो कंसेंट्रिक सर्कल है दे रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो देखिए ये जो सर्कुलर लूप है ये सर्कल है कंसेंट्रिक सर्कल ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं भाई। एंड ये जो सर्कल है दे बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर बाय द टाइम वी रीच एट द सेंटर। अगर हम बात करें अब सेंटर पर चले जाते हैं तो बाय द टाइम वी रीच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग तो जो बिग सर्कल है ये देखो ये जो बड़े बड़े सर्कल है दे कन्वर्टेड इंटू स्ट्रेट लाइन ठीक है जी। तो बाई अप्लाइंग द राइट हैंड रूल अगर हम इस पर राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो इट इज़ ईजी टू चेक एवरी सेक्शन ऑफ द वायर कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इन द सेम डायरेक्शन विद इन द लूप। तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है बेटा। अगर हम क्या करते हैं अगर हम चेक करते हैं एट एवरी सेक्शन वायर का तो वो किसकी तरफ कंट्रीब्यूट करेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कंट्रीब्यूट करेगा इन द सेम प्लेन या इन द सेम लूप। तो हम क्या करेंगे भाई सभी को ऐड कर देंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका बेटा निकल जाएगा। तो यहाँ से बताइए बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड आया सेंटर पे वो किस किस पे डिपेंड करता है तो बेसिकली देखा जाए तो इट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट। तो मोर इज़ द करंट मोर इज़ द मैग्नेटिक फील्ड ये तो मैंने पहले बता दिया बेटा। ओके अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो इसका मतलब जितने ज़्यादा टर्न बनाओगे उतने ज़्यादा क्या बनेगा भाई मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो दिस इज बिकॉज करंट इन ईच का सर्कुलर टर्न हैज़ द सेम डायरेक्शन एंड फील्ड ड्यू टू ईच टर्न जस्ट ऐड अप ठीक है ना। तो सभी के जो नंबर ऑफ टर्न्स की फील्ड है वो ऐड हो जाएगी तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा भाई वो मैंने आपको दिखा दिया। तो किसी कंडक्टर में अगर आप करंट पास करते हो तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो अभी तक हमने दो एक तो आपको बेटा स्ट्रेट कंडक्टर की बात कर ली है और एक हमने सर्कुलर लूप की बात कर लिया ठीक है। तो ये सर्कुलर लूप का था और पिछले वाला बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर तो वो भी हमने बात की। तो स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक इट टू डाउट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।